ओ गल सुन मोदी तेरी फस गई है बोदी हुण दस केड़ी मां दी जाके वड़ना है गोदी। हंकार ते अंत च हाँ एक टिप्पी का फर्क हुंदा ओ टिप्पी होना लगन वाली है तुहाडे सामने बिलकुल जदों आत हुंदी ना उदों अंत भी नाल ही हुंदा। सब कुछ वेच दिता कठ भी ना छड्या होए चौकीदार भुल गया अपनी औकात होए। जिहड़ी सरकार है जी इह तां वड्डियां दे पूंजीपतियां दे आपां गल कीती उहनां दे पैर चट्टण च बैठी है। सो जे उह इहनां किसानां आपणे हाडी मानदी है गल तां उधरों टंबा वरदा है जे नहीं मानदी तां इधरों ते वर नहीं दिया। सो उह ते वज्जणे वज्जणे आ जी। तुसीं डरदे नहीं किसे दे डराउण ना सानूं मारना तूं दाबे दिलीए। ओह जिन्ना जुत्तियां ना कड्डे अंग्रेज सी ओह साडे कदरिया बाबे दिलीए। इतिहास है इतिहास दोहराउंदा अपने आप नूं। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा सी 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो वो क्या नहीं वो करके भी विखाया एक बार नहीं वार वार होया। सत श्री अकाल दोस्तों पंजाब न्यूज़ से तुहाडा सब का स्वागत है। जिस तरीके चाहे बच्चा चाहे बुजुर्ग है चाहे नौजवान ने अपनी गल आखना चाहते ने सरकारां तक सरकारां नूं तो पता भी इत्थे जिस तरीके किसान आए हुए हैं उस तों बाद कितने ना कितने नौजवान भी अपनी गल पहुँचा चाहते अलग अलग तरीके कोई पेंटिंग राही कोई झांकिया राही कोई चिट्ठिया लेके पहुँचा रहे हर एक वर्ग जो है इस चीज़ पर लगा है कि जो सरकार है वो किसी ना किसी तरीके तो यह जो 3 कानून ने रद्द कर देवेन। साढ़े एक नौजवान है व्यक्ति है मुंडा है आप गलबात करेंगे अपनी गल पहुँचा चाहते हैं और देखेंगे कि गलों के उत्ते इन्होंने एक गीत लिखा जो बहुत ही वधिया हम भी इतने सुनते सी लोग चर्चा कर रहे थे कि बहुत ही ढुकवें शब्दों में बई ने गीत लिखा है। नाम की है? मेरा नाम सुख संधु है जी। मेरे नाल मेरा छोटा भरा जवराज संधु असी दोवें वीर लगभग सानू 2 महीने जदों का संघर्ष शुरू होया पहला पंजाब च भी असी 0 ग्राउंड ते रह के लोगों के बलबले सुनते रहे इतने भी सानू अज 1.5-2 महीनों के लागे हो गया जी। सो असी वह जिहड़ियां जो जो गल्लां बातें इत्थे हो रही ने जो जो गल्लां बातें साडे किसान वीर करते ने उसे नू ही दिल्ली नू एक ताने दे रूप च ते वीरां नू संदेश दे रूप च असी 2-4 लाइनां लिखियां ने सो तुहाडे नाल सांझियां करना चाहवांगे। जिला साडा तरनतारन है पिंड ददेहर साहब है संत बाबा विसाखा सिंह जी गदरी बाबे साडे पिंड जिन्ह ने गदर पार्टी की मुढ़ रख्या सी उन्हें नींह रखी सी ते भाई गुरदेव सिंह कामा गाटा मारू ना का जहाज लैके वो अमेरिका तो इधर इंडिया वालू वो होए सके। सो आप जी नाल 2-4 सत्रां सांझियां करनियां चाहुंदे आ। हो असी डरदे नहीं किसे दे डराउण ना सानू मारना तू दाबे दिलीए। ओ जिन्ना जुत्तियां ना कड्डे अंग्रेज सी ओ साडे गदरिया बाबे दिलीए। हां असी डरदे नहीं किसे दे डराउण ना सानू मारना तू दाबे दिलीए। ओ जिन्ना जुत्तियां ना कड्डे अंग्रेज सी ओ साडे गदरिया बाबे दिलीए। ओ जदों वी जुल्म सिर चुकिया असी खंडा खड़काया दिलीए। लाहौर दियां कंधां ना मरा देंगे टक्करा को मथा सरदारा नाल लाया दिलीए। लाहौर दियां कंधां ना मरा देंगे टक्करा तू मथा सरदारा नाल लाया दिलीए। ओ धरने दे विच आके बह गए पाके झंडियां च डंडे देख लै। ओ सानू डरनियां गोलियां वरूदा दा असी दंगियां च हंडे देख लै। ओ धरने दे विच आके बह गए पाके झंडियां च डंडे देख लै। ओ सानू डरनियां गोलियां वरूदा दा असी दंगियां च हड्डे देख लै। तो बहार दी ते कोरा पो मांगदा हां हार दी ते कोरा पो मांगदा ओ बड़ा पिंडे ते हंडाया दिलीए। लाहौर दियां कंधां ना मरा देंगे टक्करा को मथा सरदारा नाल लाया दिलीए। लाहौर दियां कंधां ना मरा देंगे टक्करा तू मथा सरदारा नाल लाया दिलीए। ओ बूटा जिन्नी वारी जुल्म दा लाया तू असी छड्डिया जड़ों ही पट के। ओ तैनू 19 वारी युरत ना जित्तिया 20-20 वार वी खड़ाया डट के। बूटा जिन्नी वारी जुल्म दा लाया तू असी छड्डिया जड़ों ही पट के। तैनू 19 वारी युरत ना जित्तिया 20-20 वार वी खड़ाया डट के। शाही पट के तख्त अमृत सर हां शाही पट के तख्त अमृत सर ओ गुरु चरनी चढ़ाया दिलीए। लाहौर दियां कंधां ना मरा देंगे टक्करा को मथा सरदारा नाल लाया दिलीए। लाहौर दियां कंधां ना मरा देंगे टक्करा तू पेचा क्यों किसाना नाल पाया दिलीए। एक जिहड़ी बॉलीवुड वाली सी उहदे ते भी 2-4 लाइनां असीं बयान करना चाहुंदे आ। ओ तेरी खास जड़ी बॉलीवुड वाली आ पुट्टे सिद्धे जे कमेंट कर दी। ओ साडी 80 साल वाली बेबे गुत्तों फड़ लू फिर माफिया मंगूगी डरदी। ओ तेरी खास जड़ी बॉलीवुड वाली आ
पुठे सीधे जे कमेंट कर दी। असी साल वारी बेबे कुत्तो फड़ लू फिर माफिया मंगूगी डरदी। ओ पैसियां ते कदे नहीं हूं वेकदे सुन ध्यान ना बीबी, ए पैसियां ते कदे नहीं हूं वेकदे। ओ जिन्ना सिदक हटाया दिलिए लौटियां कंधां ना मरा देंगे टक्करा, तू मत्था सरदारा नाल लाया दिलिए लौटियां कंधां ना मरा देंगे टक्करा, तू पेचा क्यों किसाना नाल पाया दिलिए। कानून सरकार साडी उत्ते थोप के क्यों दे करना तबाह सी किसानी नू। ओल चक चक मारे सब बैरियर चंडी चढ़ गई पंजाब दी जवानी नू। कानून काले साडी उत्ते ए थोप के क्यों दे करना तबाह सी किसानी नू। फिर चक चक मारे सब बैरियर चंडी चढ़ गई पंजाब दी जवानी नू। हक लए बिना हुण नहीं उमड़दे, हक लए बिना हुण नहीं उमड़दे। मेरा बटरा ते लाया दिलिए लौटियां कंधां ना मरा देंगे टक्करा, तू मत्था सरदारा नाल लाया दिलिए लौटियां कंधां ना मरा देंगे टक्करा, तू पेचा क्यों किसाना नाल पाया दिलिए। ओ देश भगत ते गदरी वसाखा सिंह जी उन्हां वाला ही साडा पिंड आ। ओए असी उन्हां दे ही पोते पड़पोते आ, ताही खून साडे विच हिंड आ। ओ देश भगत ते गदरी वसाखा सिंह जी ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੋਤੇ ਪੜਪੋਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਖੂਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਡਿਆ। ਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਿਆਪਾ ਵਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਦਿੱਲੀਏ ਲੌਟੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾ ਮਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਟੱਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਦਿੱਲੀਏ ਲੌਟੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾ ਮਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਟੱਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਦਿੱਲੀਏ। ਹਾਂ ਲੌਟੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾ ਮਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਟੱਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਚਾ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਦਿੱਲੀਏ। ਸੋ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੋ ਚਾਰ ਲੈਣਾ ਸਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋ ਠੰਡ ਮਨ ਆਉਂਦਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਠੰਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਠੰਡ ਹੋਊਗੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ 'ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਹੋਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੋਦੀ ਤੇਰੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਬੋਦੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੋਦੀ ਤੇਰੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਬੋਦੀ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਵੜਨਾ ਏ ਗੋਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵਹਿਮ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਅੜੂ, ਤੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵਹਿਮ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਅੜੂ। ਹਾਲੇ ਤੇਰਾ ਕੰਬਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਜਦੋਂ ਛੱਡਦੇ ਜੇਕਾਰੇ ਨੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰੇ ਹੋਏ। ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਜਦੋਂ ਛੱਡਦੇ ਜੇਕਾਰੇ ਨੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰੇ ਹੋਏ। ਓਏ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ। ਓਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਖੁੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੇ ਮਨ ਵਾਲੀ ਬਾਤ। ਓਏ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਓਏ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ। ਓਏ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਖੁੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੇ ਮਨ ਵਾਲੀ ਬਾਤ। ਓਏ ਮਨ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਬਥੇਰੀ, ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਬਥੇਰੀ, ਤੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਗੱਪਾਂ ਬੜੇ ਲਾਏ ਢੇਰੇ। ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਜਦੋਂ ਛੱਡਦੇ ਜੇਕਾਰੇ ਨੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰੇ ਹੋਏ। ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਜਦੋਂ ਛੱਡਦੇ ਜੇਕਾਰੇ ਨੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰੇ ਹੋਏ। ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ, ਚੱਟਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਪਰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ। ਓਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਾਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲੇ, ਲੋਕੀ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਜੜਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀ ਖੈਰ। ਓਏ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ, ਚੱਟਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਪੂੰਜੀ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ। ਓਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਾਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲੇ, ਲੋਕੀ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਜੜਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀ ਖੈਰ। ਓਏ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਹਾਂ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਸਭ ਰਾਮ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਆ ਬਹਿੰਦਾ ਫਿਰੇ। ਓਏ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬ
दियां दिल्ली दियां कंधां जदों छड्डदे यकारे ने बब्बर शेरे ओए थर थर कंबदियां दिल्ली दियां कंधां जदों छड्डदे यकारे ने बब्बर शेरे ओए पुलवामा दा अटैक किन्ने कीता सी प्लान जिहदे विच मार दित्ते किन्ने अपने जवान ओए आर्डिनेंस थोप दित्ते खेती दे कानून हुण खो के जमीना चौना मारने किसाने ओए जय जवान जय किसान नहीं हो सहिंदे अपमान जय जवान जय किसान नहीं हो सहिंदे अपमान बाबे नानक दी सेई उत्ते रहिंदी मेरे ओए थर थर कंबदियां दिल्ली दियां कंधां जदों छड्डदे यकारे ने बब्बर शेरे ओए थर थर कंबदियां दिल्ली दियां कंधां जदों छड्डदे यकारे ने बब्बर शेरे ओए बाबा अस्सियां सालां दा सीस तली उत्ते रख लड़े तैनूं लगदा बजुर्ग कित्थों हंब जाणगे ओह नलुए दे वारस जो शेर पाड़ दिंदा तेरे गिद्दड़ धमकियां तों किद्दां कंब जाणगे बाबा अस्सियां सालां दा सीस तली उत्ते रख लड़े तैनूं लगदा बजुर्ग कित्थों हंब जाणगे इह नलुए दे वारस जो शेर पाड़ दिंदा तेरे गिद्दड़ धमकियां तों किद्दां कंब जाणगे शेर वाले युवराज आउंदे इदां दे ना राज वाले युवराज आउंदे इदां दे ना राज शेर उत्ते सुखिया जदों वजे सवा सिर ओए थर थर कंबदियां दिल्ली दियां कंधां जदों छड्डदे यकारे ने बब्बर शेरे ओए थर थर कंबदियां दिल्ली दियां कंधां जदों छड्डदे यकारे ने बब्बर शेरे ओए थर थर कंबदियां दिल्ली दियां कंधां जदों छड्डदे यकारे ने बब्बर शेरे ओए सो निहाल सत श्री अकाल जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अच्छा मैं एक सवाल है बहुत वधिया तुसीं मैसेज दिता संदेश दिता है गया जे सिकर हरी सिंह नलवा दे बाबा दीप सिंह जी का तुसीं नाम लिया मैं पहला भी एक इंटरव्यू की सी एक भैन ने बहुत वधिया पेंटिंग बनाई सी हमेशा ही जिक्र आउंदा कि जी इतिहास जिहड़ा वापस नहीं मुड़न दिंदा इतिहास को सीखना चाहिए फिर तुहानूं की लगता कि इतिहास सीख करके अज किसान इत्थे बैठे ने कि वाकई इतिहास नहीं पिछे जाण दिंदा। बिल्कुल जी बाबा दीप सिंह जी ने खंडा चुक के लीक मारी ही ते अठ अठ नौ नौ दिन भुखे रह के छोले खाने वाले छाला मार मार के वो लीक टप गए ही उस तरह ही हुण ते वो गम रहे नहीं हुण ते लंगर नाल रज रज के आउंदे आ ही ते हुण किसे रहण देंगे बेरेड़ होंदे सारे चुक चुक के इदां ही मारांगे क्योंकि इतिहास है इतिहास दोहरांदा अपने आप नूं ये बार बार गुरु गोबिंद सिंह ने कहा सी सवा लाख से एक लड़ाऊँ तो वह क्या नहीं वह करके भी विखाया एक बार नहीं वार वार होया चाहे आप सारागढ़ी ला लीए चाहे बाबा दीप सिंह का इतिहास ला लीए आप कोई भी इतिहास ला लीए खून खोलन लग पैंदा फिर वाहेगुरु का नाम लैके इत्थे वाहेगुरु का शब्द गा के जप के इत्थे बैठे ने सारी संगत जो तुसीं गाणा विच गाया हो भी चीजा लिखिया मोदी बारे भी किया बॉलीवुड की अदाकारे बारे भी किया जो 100 रुपए की गल करती सी जो सरकार एक पासे हो जांदियां ने फिर तुसीं संदेश दिता जाके फिर हंकार टुटदा किवें है हंकार की भैया गल कहते हंकार किवें टुट जाता फिर बंदे का हंकार ते अंत च हाँ एक टिप्पी का फर्क हुंदा बिल्कुल बिल्कुल जिहड़ी आत हुंदी उहदे ते अदक हुंदा अंत ते टिप्पी हुंदी आ उह टिप्पी होणा लगन वाली आ तुहाडे सामणे आ बिल्कुल जदों आत हुंदी ना उदों अंत भी नाल ही हुंदा। अच्छा जिवें सरकारां नूं हुण अलग अलग तरीके नाल संदेश दे रहे तुसीं वी हुण आपदे गाने दा ही कह रहे गाधी कितने फसी हो सकती है कितनी सरकार जाके फस गई है की लगता सरकार नु की नुकसान होगा क्योंकि सरकार भी कितने फसी होगी ना दो साल की गल करती है उस बाद अगे वधी नहीं हो कितने लगता है जिहड़ी सरकार है जी ये वड्डियां दे पूंजीपतियां दे आपां गल कीती कि उन्हां दे पैर चट्टन च बैठी है सो जे वो इन्हां किसानां अपने हाड़ी मानदी है गल तो उधरों टंबा वरदा है जे नहीं मानदी तो इधरों वर नहीं दिया सुनो ये किसान उन्हां दे हथ च भी टंबे इधरों खाने गए उधरों खाने आ सो वो तो वजने वजने जी भावे अज वज जाण भावे कल वज जाण। मेरा आखिरी सवाल है कि 26 जनवरी में कहो जहाँ नज़ारा होगा तुम लाहौर की भी गल की पंजाब की भी गल की खालसे राज की भी गल कर रहे हो 26 जनवरी कहो जहाँ नज़ारा होगा आप देखा भाई जी 26 जनवरी वक्रा नज़ारा होगा वीर जी जिहड़ा अजे तक कदी भी ना इतिहास होया ना होगा क्योंकि इन्ना कट्ठ मैं हाड़ी तो उम्र बहुत घट जो पुराने बुजुर्ग वो दसते पे भी इन्ना कट्ठ कभी नहीं वेखा जिन्ना कट्ठ इतने जिन्ना कट्ठ इतने होया। हाँ जी क्योंकि हूँ 26 जनवरी ट्रैक्टर मार्च की परेड आ तो जिदा भी अपने किसान आगू कहे अं मगर जी कह इतने गल मैं जरूर कहना चाहूँगा जो कट्ठ की गल कर रहे हैं आप इस करके थोड़े व्डे भी तुम वधाई दे पात्र हो सोशल मीडिया टोटली वधाई का पात्र है कि इन्ना इन्होंने कली कली खबर कली कली गल जी संघर्ष की लोगों सामने पेश की है सो तुम वधाई दे पात्र हो थोड़ू बहुत बहुत इस गल की मुबारक है जी सो अगे भी असं आस करते हैं तुम इसे तरह जी लोगों की सेवा करते रहोगे क्योंकि मोदी मीडिया जो उन्होंने हथ वस हों भाजी अगे बहुत सारे संघर्ष से जोड़े इसे तरह मीडिया के कारण विघन करके नप्पे
ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। 80% ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਹਰੇ ਕਿਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਕਦੇ, ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਕਵਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ। ਚਲੋ ਹੈਗਾ ਕਈ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ, ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਦੰਦ ਗਿਣਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਿਹਨੇ ਕਵਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਪਈ ਆ। ਠੀਕ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤੀ ਪਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਸ ਅੱਲਾ ਹਰਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਸ ਸੁਣੀ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਕਹਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬੋਲਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਫਗਾਨ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸੇ ਪੇਜ 'ਤੇ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਗਾਥਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ।